सभी को नमस्कार और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोहड़ी की और मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से बड़ा खुशी का मौका है और डीटीसी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि कुछ महीने पहले जो हमने कोशिश की थी और एक सपना लिया था कि सड़कों पे हमारी जो डीटीसी या क्लस्टर की बसें हैं वो महिला चालकों को हम देखें चलाते हुए, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी खुशी है कि पहले 11 फीमेल ड्राइवर्स को कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल से पीछे मैं कुछ चेहरे देख रहा हूँ जो ठीक है। खुश हैं आप लोग सब? तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज 13 महिला चालकों को भी और हम अपॉइंटमेंट लेटर्स देंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी जितनी और नई बसें जो आएंगी उसमें मैक्सिमम जो है वो महिला चालक रहें और जो आज 13 महिला चालकों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं, मैं मेरी तरफ से पूरी सरकार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने बार बार कहा है कि दिल्ली की सड़कों पे बस को चलाना आसान काम नहीं है, तो ये चुनौती को आपने स्वीकारा और ये भी आपने जवाब बहुत बढ़िया तरीके से दे रहे हैं और आगे भी देंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो जिनको पहले दिया था 11 महिला चालकों को, आज आप लोगों को स्पेशली बुलाया ताकि जो 13 नई महिला चालकों को हम लेटर्स देंगे अपॉइंटमेंट लेटर्स, आप लोग भी आपस में बात कर सकें और जो नई महिला चालक हैं उनको भी आप ये और हौसला दे सकें कि कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने ठान ली है तो फिर मेरे ख्याल से कुछ भी मुश्किल नहीं है। और एक बात पहले भी कही है और फिर कह रहा हूँ, हर एक महिला चालक जो है आप एक रोल मॉडल हैं पूरे दिल्ली के लिए और पूरे देश के लिए, आप ये कभी मत भूलना, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं, हमारी लाखों करोड़ों महिलाएं जो हैं वो सिर्फ सपना लेती हैं कि हम अपना काम कुछ अलग से करें, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई और इतनी बड़ी गाड़ी, मेरे ख्याल से हवाई जहाज चलाना आसान है, ये बस चलानी मुश्किल है। तो आपको मेरी तरफ से, मेरे मतलब एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, अगर कहीं भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, और पूरा डिपार्टमेंट जो है, पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरा आपके साथ है, बढ़िया से आप काम करें और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके से हम जब हम महिला एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो हम सिर्फ पेपरों में या फाइलों में बात ना करें, हम उसको बिल्कुल ग्राउंड पे और ज़मीन पे लाके हम बात करें, ताकि जब भी हम कुछ समय के बाद अगर हम सोचें कि भाई महिलाओं के लिए, उनको और उनके हाथ मजबूत करने के लिए हमने सिर्फ बातें नहीं की लेकिन हमने वाकई में करके दिखाया, तो वही हमारा सपना है कि आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो आगे आएँ। मैंने कहा कि आप रोल मॉडल हैं, आप पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा हैं, तो बिल्कुल बढ़िया काम आप करें और जहां भी आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की या मेरी अगर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े तो हम हमेशा तैयार हैं। आज जिन 13 महिलाओं महिला चालकों को जो लेटर्स दिए जा रहे हैं, तो मैं बस ये जानना चाहूँगा कि मोस्टली महिलाएं कहाँ, दिल्ली से हैं या कहीं और से हैं? कोई माइक है, रिमोट माइक है क्या? कॉर्डलेस माइक। पीडी कौन सी है? यहाँ से निर्मला देवी, आपका आप निर्मला देवी स्टार्ट करेंगे।
कहाँ से हैं निर्मला जी? दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से ही हैं। और कहाँ रह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में सर वजीराबाद। वजीराबाद। तो कैसे सोचा? सर मैं 5 साल से टैक्सी चला रही हूँ। चला रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं नाइट में चलाती हूँ। तो मेरी 4 बेटी है, 1 बेटा है और मैं 7 साल से सिंगल हूँ, अपने बच्चे पालती हूँ। रोड पे मैं देखती थी बस चलाते हुए, सीढ़ी के देखती थी तो मेरा भी बहुत मन करता था, अच्छा लगता था कि हम भी आदमी से कम नहीं है। जब हम ट्रेनिंग लेते थे बुढ़ारी में, बहुत सारे लड़के हंसते थे, बोले यार ये लेडीज़ क्या बस चलाएंगे। लेकिन हमने ये ठान लिया हम छोटी गाड़ियाँ चला सकते हैं, अभी हम चिड़िया पैर रखते आगे आसमान भी छूएंगे सर हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिंदगी में याद रखना जी सर, जब लोग आप पे हंसना स्टार्ट कर दें तो मतलब कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी सर। अगर उस हंसी को अगर आपने ये मान लिया कि भाई मैंने करके दिखाना है जी सर, तो वही जो लोग हंस रहे हैं वही आपकी जो है आने वाले समय में आपकी तारीफ भी करेंगे। बहुत बढ़िया। रेखा नमस्ते, कहाँ रहते हो आप? खादर में रहते। अच्छा दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही है जी। तो कैसे सोचा कि बस चलाने का, मतलब मन में कैसे आया? सर मैं भी पहले ये एयरपोर्ट पे टैक्सी चला रही थी, 5 साल से मैं भी चला रही हूँ, 5-6 साल हो गए मेरे को चलाते हुए जी। तो सर अब महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम भी आगे बढ़े। बहुत बहुत बढ़िया और अच्छे से आप काम करें। जी सर। लता छुट्टी पे। राजकुमारी सर नमस्ते, मैं सबका अपनी तरफ से धन्यवाद करती हूँ और नमस्ते सबको मैं जोर से। और तो कहाँ, दिल्ली से है या कहीं और? जी सर मैं संत नगर बुराड़ी से हूँ। तो मन में कैसे आया कि मन में सर इसलिए आया, मैंने कई महिलाओं को देखा टैक्सी चलाती हो और जो मेरी एक मैंने है जो मेरी क्या कहते हैं महिला चालक हैं, तो इसलिए मैंने देखा, इसलिए मैंने मेरा भी मन हुआ कि मतलब मैं भी इस लायक बनूं। तो मैं मेरे भी मतलब अंदर की जागरूकता जागी और इनको देख कर के मेरा भी हौसला बढ़ा, इसलिए सर मैंने आगे कदम बढ़ाया। तो ट्रेनिंग वगैरह तो पूरी हो गई आपकी? हाँ सर मेरी। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई ट्रेनिंग सर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी सर मिली मुझे वहाँ, सब ने ट्रेनिंग दी, सब ने अच्छी तरीके से मतलब मेरा हमका हम सब लोगों का ध्यान दिया। चलिए बहुत बढ़िया। मीना नमस्ते सर, मेरा नाम मीना है, मैं नंद नगरी में रहती हूँ और मैं एयरपोर्ट पे 4 साल से गाड़ी चला रही थी। और जब आपने एक मिशन रखा विजन परिवर्तन और जो पहली नींव आपने रखी थी और उसी दौरान मेरा जर्नी वहाँ पे हुआ, ये एक सबसे बड़ा आपका उपहार था। और धीरे धीरे मैंने टेस्ट भी पास किया और फिर ट्रेनिंग भी ले ली, ट्रेनिंग लेने पर अब सर एक नया उपहार जो आप मेरे को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हो और मैं सब आपका आभार प्रकट करती हूँ कि जो एक अच्छी नई पहचान दिया है आई एम लेडी आयरन। बहुत बढ़िया। निशा है। नमस्ते सर, मैं हरियाणा से थे और सर पहले मैं बाइक चलाती थी, मैं बस के लिए अप्लाई किया क्योंकि हंसी मजाक करती थी सर, फिर मैंने वो लक्ष्य मतलब इस चीज को लक्ष्य मान लिया और देना चाहूंगी जिन्होंने यहाँ आने का मुझे मौका दिया, थैंक यू सर। ठीक है। अबिता मिश्रा सर, मैं अबिता मिश्रा बिहार से बिलोंग करती हूँ। वो मैं इधर आई थी 2000 में सर दिल्ली में और 2015 तक तो मैं घर में ही रहती थी, बच्चों का पालन पोषण करती थी, पर मुझे कहीं जाने का मौका नहीं मिला था। दिल्ली घूमने का शौक था तो आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से कार चलाने की ड्राइविंग लाइसेंस मिल रही थी तो हमने वहाँ ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर घर में ही बैठ के, बच्चे छोटे थे, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अगले साल हमें पता चला कि आपने हेवी लाइसेंस बनाया रहे और उसमें हेवी लाइसेंस का फीस भी मेरे ख्याल से नहीं है। बिल्कुल सर फ्री। तो उसका जो पूरा श्रेय जाता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जाता है। हमारे जो कमिश्नर हैं आशीष कुंद्रा जी, बहुत बढ़िया सोच के ऑफिसर हैं, ऐसे ऑफिसर अमोल मिलते नहीं हैं। और जो हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी, जो कि जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमारी बहन बेटियां, हमारी जो
महिला है वो बिल्कुल आगे बढ़े और आसमान को छुए, तो ये सारा श्रेय पूरी सरकार को और सीएम साहब को जाता है। और अभी कुछ दिन पहले भी मेरी बात हुई ट्रांसपोर्ट कमीशन से, आज भी जो पहले प्रोग्राम था वहाँ भी हम बैठ के बात कर रहे थे कि हमारा एक और सपना है जो मुझे लगता है कि बहुत जल्द पूरा होगा, उसमें चुनौती तो है। सपना हमारा ये है कि दिल्ली में हमारा एक डिपो ऐसा हो जहाँ की पूरा स्टाफ, मतलब ड्राइवर से लेके कंडक्टर से लेके मैकेनिक से लेके गार्ड से लेके, मतलब हर एक स्टाफ जो है वो पूरा महिलाएं उसमें हो। तो पूरे देश में मेरे ख्याल से पहला ऐसा डिपो होगा जहां पर एंटायर स्टाफ, मतलब कोई भी है उसमें सारी जो है वो महिलाएं जो है वो उसमें हो। और तो उसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो ऑल वुमेन डिपो। तो ये आप देख लीजिएगा, कहीं फिर आप कहो जी डिपो चल नहीं पा रहे हैं तो कहीं पुरुष की जरूरत तो नहीं पड़ेगी उसमें। तो उसपे हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसको, दिक्कत उसमें ये आएगी कि अभी सपोज किसी डिपो में 100 बसें हैं तो उसका 2 या 2.5 टाइम्स तो हमें ड्राइवर चाहिए होंगे। तो अभी हमारे पास 200 तो ड्राइवर है नहीं। तो मैं यहाँ पर मेरे ख्याल से डिम्स के ऑफिसर भी हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट DTC के भी हैं, उनसे मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि स्पीड को थोड़ा और बढ़ाएं हम, ताकि हमारे दिल्ली में 200-300 जो हैं ड्राइवर्स, महिला ड्राइवर्स फटाफट हों, बहुत जल्दी हों। अगले लेट से हमें टारगेट लेके चलें कि अगले 6 महीने में हमने ये करना है। तो जितना ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए आएंगी महिला ड्राइवर्स और एक बार हैवी लाइसेंस बना के फिर दोबारा DTC या DIMS से जिससे भी ट्रेनिंग पूरी करनी है, तो अगले 6 महीने का अगर हम ऐसा कुछ टारगेट ले लें कि दिल्ली में कोई ना कोई, चाहे यही डिपो क्यों ना हो, कि उसमें पूरा जो स्टाफ है वो महिलाओं का है, तो मैं उस दिन के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें कुएं के मेंढक से उड़ता हुआ परिंदा बना दिया सर। क्या बात है, धन्यवाद। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा रानी जी नमस्कार सर, मैं तो वेस्ट बंगाल की हूँ सर, क्योंकि मैं इंडिया में यहाँ पे आई हुई हूँ तो मुझे इतना हिंदी बोलने की भी नहीं आती थी पहले सर, सबका मुझे मजाक उड़ा देते पहले। कोई बात नहीं, सीख जाएंगे आप, चिंता मत कीजिए। तो कैसे सोचा, मतलब मन में कैसे आया कि भाई मैंने ये सोचा, पहले मैंने स्कूल कैब चलाती थी सर, मैंने ये मैं क्या बोलते हैं लोधी स्टेट वहाँ पे गाड़ी चलाती थी मैंने, और ये एक कोई बात नहीं, आराम से बोलिए, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो पहले स्कूल कैब चलाते थे, वहाँ से फिर देख के मन में आया कि भाई बस क्यों ना चलाएं। चलिए बहुत बढ़िया, ढेर सारी शुभकामनाएं। सोनिया नमस्ते सर, सर मैं हरिया जींद से हूँ सर, मैं ना बचपन से ये सोच रही थी कि मेरे को अपनी फैमिली के लिए कुछ अलग करना है जिसमें मेरे फैमिली वालों का नाम रोशन हो। तो मैं सर लड़कों में रही हूँ, बॉयज़ की तरह खेलना कूदना पसंद था, एक प्लेयर रही हूँ, कुश्ती प्लेयर रही हूँ, तो उसमें एक जुनून था मेरे अंदर कि मेरे को पुलिस या आर्मी में जाना है। उधर सर मैंने देखा कि लड़की आ रही है उधर से, तो उधर देखा तो नहीं यार इधर बात नहीं बन रही है, मेरे को सर कुछ अलग करने का था। मैंने नहीं, जहाँ भी देखूँ ना एक मेरे फैमिली को भी और मुझे भी अलग से देखे भी, हाँ ये वो लड़की है जिसे कुछ अलग करने की कोशिश। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से पहले जो 11 महिला चालक थी मैक्सिमम हरियाणा से थी, उसमें काफी महिलाएं जो है वो हरियाणा और जींद और उस तरफ के इलाके से, तो मतलब जींद की जो लड़कियां हैं उनमें बात कुछ अलग है, हरियाणा की जो लड़कियां हैं, चलिए अच्छी बात है। थैंक यू सर। उषा रानी गुड आफ्टरनून सर,
सर मैं ऑक्यूपेशन से टीचर हूँ, पीटीआई टीचर सर स्कूल में, बट मैंने अभी वहाँ रिज़ाइन कर दिया है। तो मैंने सर हमारे यहाँ मैं मतलब हरियाणा रोहतक से हूँ, तो मैंने वहाँ पे सर मतलब एक लेडीज़ को स्कूल बस चलाते हुए देखा था फर्स्ट टाइम। तो वहाँ से मुझे सर इस चीज़ का सहयोग मिला, मैंने उनसे बात की आपने ये लाइसेंस कैसे बनवाया, उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए गाइड किया सर। तो मेरा 8 महीने पहले ही लाइसेंस बनाया, फिर मुझे पता चला सर दिल्ली में ऐसे ऐसे फॉर्म निकले हैं, तो सर मैंने ट्राई किया और यहाँ पे मुझे जॉब मिली, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तो नई मिसाल जो है वो आप कायम कर रहे हैं कि टीचिंग जॉब छोड़ के, मेरे से जितनी महिलाएं मुझे मिलती हैं सबका ये रहता है जी टीचिंग जॉब में जाना है, आप टीचिंग जॉब छोड़ के जो है वो आप बस चलाने का काम में रुचि रखती हैं। टीचिंग में मतलब मैंने डबल एमए किया है सर, ये एमडी यूनिवर्सिटी से, और नेशनल में मैं टॉपर रही हूँ सर, नेशनल में वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में सर मेरे पास मेडल है। बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा अच्छा संकेत है मेरे ख्याल से सबके लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, कि काफ़ी जो पढ़ाई करके और टीचिंग जैसे जॉब में, और जैसे उन्होंने भी बताया सोनिया ने कि कुश्ती वगैरह की है, और आप कह रहे हैं कि वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग वाले ऐसे प्रोफेशन छोड़ के अगर आप ड्राइविंग में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर मैंने अपने शहर में मतलब ऑटो ड्राइवर को देखा, तो फिर जैसे जो पिछड़े हुए वर्ग से जो महिलाएं हैं, मैं उनके लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ कि वो भी इस मतलब आगे आ सकती हैं इस लाइन में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। लक्ष्मी रावत। मैं उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ, और 2005 से मैं दिल्ली में रह रही हूँ मुकंदपुर, और मैं 2017 से उबेर चलाती थी। तो मेरा एक सपना था जो शायद, अगर मैं धन्यवाद करती हूँ सर का, अगर सर साथ नहीं देता तो शायद ये सपना मेरा पूरा नहीं होता। मैं सपना देखती थी कि मैं बस चलाऊँ, जब भी देखती थी मैं अंदर से इच्छा होती थी कि मैं भी सीट पर बैठूँ, लेकिन सोच के रह जाती थी हमारे पास इतना फीस का लिए इतना पैसा नहीं था। तो बुराड़ी से जब सर ने हमें बताया तो मतलब एक अंदर से एक खुशी होती है, और मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, और मैं सर का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अरविंद सर, अरविंद केजरीवाल सर के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, और सर आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो सर हम आपके है जो आपके माता सर पूरी होगी। बहुत बढ़िया। नीतू देवी। नमस्ते सर, नाम नीतू देवी है सर, और राजस्थान की रहने वाली हूँ, और 14 साल से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। और मुझे पहले मैं सर ऑटो चलाती थी शादीपुर नारायणा, और फिर उसके बाद मेरे को सरिता जी, जब उनका सरिता जो ऑटो चलाती हैं, नहीं नहीं सर, बस जो चलाती है, अच्छा बस जो चलाती है, जी जी जी, तो इनका सर मैंने सुना तो मैं हस्बैंड की जान खाने लग गई, मेरे को भी ड्राइवर बनना है। जी सर, तो फिर हस्बैंड ने बोला कि तू तो मानेगी नहीं, फिर उसके बाद सर फिर गाड़ी कार चलाना सीखी, फिर उसके बाद लाइसेंस बनाया, फिर सर आप लोगों के आशीर्वाद से हैवी लाइसेंस बनवाया। सबसे तो मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री मुख्यमंत्री जी का, अशोक गहलोत जी का शुक्राना करूँगी कि हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, और अरुण केजरीवाल सर का भी शुक्राना करूँगी कि हमारे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सारी लेडीज़ों को, और बस इस प्लेटफॉर्म में हम अच्छे से खड़े उतरे और अच्छे से सेवा कर पाए पब्लिक की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माया देवी। नमस्ते सर, मेरा नाम है, मैं दिल्ली में गोविंदपुरी कालका जी के रहती हूं। तो कैसे मन में ख्याल आया कि बस चलाने का? सर ऐसा कोई ख्याल नहीं था मेरे मन कि मैं पहले साइकिल चलाने से भी डरती थी। मेरी छोटी बहन है, वो भी ड्राइवर है, तो थोड़ी सी बस फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं वहाँ, तो मेरी सिस्टर ने बोला दीदी जब आप अपने आप को हिम्मत बनाओगे ना तो आपके साथ बिल्कुल। मेरी बहन भी आजाद फाउंडेशन से, उन्होंने ड्राइविंग सीखी थी और वहीं से मैंने भी सीखी, और मैंने भी 2 साल एयरपोर्ट पे काम किया है। उसके बाद फैमिली मैटर इसी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी थी। अभी लाइसेंस है, बस चलाने का, तो उसमें सर मैंने भी भाग लिया, और बुराड़ी में हमें सर लोगों ने बहुत अच्छे से
खाना कैसे करना चाहिए, मतलब पार्टी वगैरह सब कुछ सिखाई। और उसके बाद नन नगरी भी को सारे सर ने हमारी बहुत हेल्प की। सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और आशा करती हूँ कि जो आपने हम लोगों से उम्मीद की है उस पर हम खरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से फिर दोबारा जो नए जो महिला चालक हैं यहाँ पे, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तेरे सीने से सही, आग हो लेकिन कहीं भी आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तो दिल्ली की इस बदलती हुई सूरत को हम सब देख रहे हैं, इसके लिए आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार। और अब अवसर है इन सब हमारे नवनियुक्त ड्राइवर्स के लिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स का, तो एक बार जोरदार तालियों से हम इनका सम्मान करें। मेरा अनुरोध आदरणीय सर से और हमारी अतिथि श्रृंखला से मंच के सामने आ जाएं, और सभी हमारे नवनियुक्त चालक एक साथ मंच पर आ जाएं, और जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन और स्वागत करें। सभी एक साथ खड़े हो जाएं, सभी लोग आ जाएं, हमारे 13 के 13 नवनियुक्त, और साहब आप सब इस बनते हुए इतिहास के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित दिल्ली सरकार, दिल्ली का बनता हुआ नया इतिहास। टी सरिता ने ड्राइवर होकर पहली बार दिल्ली की परिवहन निगम की बस की चाबी अपने हाथ में ली थी, और आज उनके नए साथी यहाँ हम सब के साथ। तो सभी से अनुरोध आप सब आ जाएं, और उसके बाद हमारे जो आज ड्राइवर्स हैं, निर्मला देवी, रेखा, राजकुमारी, मीना, निशा, अभिता मिश्रा, आशा रानी सिंघारे, सोनिया, उषा रानी, लक्ष्मी रावत, नीतू देवी और माया देवी। तो सभी एक बार जोरदार तालियों से इस नए बनते सजते संवरते इतिहास का हम स्वागत करें। तो सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं हमारी पहली ड्राइवर आज निर्मला देवी, जोरदार तालियों से। मेरा अनुरोध कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट सर, मैडम, एमडी, डीटीसी और अन्य अधिकारियों से, और आप सब जोरदार तालियों से इनके इस अवसर को बहुत ही ऐतिहासिक और गरिमामयी बनाएं। इसी क्रम में रेखा, हमारी अगली ड्राइवर रेखा, अब अपना अपॉइंटमेंट लेटर आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त कर रही हैं, और जोरदार तालियों से हम सहभागी बने। इसके बाद राजकुमारी, हमारी अगली ड्राइवर राजकुमारी, जो आज दिल्ली परिवहन निगम की जिम्मेदारी ले रही हैं, और इस अवसर पर आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय खुद अपॉइंटमेंट लेटर वितरित कर रहे हैं। इसी क्रम में मीना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप इस बनते हुए इतिहास को देखते हुए जोरदार ताली बजाते रहिए, मीना। और मीना के बाद निशा, निशा हमारी अगली ड्राइवर अब अपॉइंटमेंट लेटर लेंगी, मीना अभी प्राप्त कर रही हैं निशा। और उसके बाद अभिता मिश्रा, न भूलिए, जोरदार ताली बजाते रहिए। इसके बाद अभिता मिश्रा हमारी अगली ड्राइवर अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त कर रही हैं आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय से। इसके बाद आशा रानी सिंघारे, आशा रानी सिंघारे अब अपना अपॉइंटमेंट लेटर सर से लेंगे। इसके उपरांत सोनिया, सोनिया हमारी अगली ड्राइवर जो अब अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं माननीय परिवहन मंत्री महोदय के कर कमलों से। इसी क्रम में अगली ड्राइवर उषा रानी, और जोरदार ताली बजाते रहिए, हम इन सब के सपनों को जो इन्होंने सोचा है उन्हें पूरा करने में ये तालियां इन्हें बहुत मदद करेंगी। उषा रानी के बाद लक्ष्मी रावत, लक्ष्मी रावत हमारी अगली ड्राइवर
इस नई जिम्मेदारी के साथ लक्ष्मी जी यहाँ और अब नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं आदरणीय मंत्री महोदय से। इसके बाद नीतू देवी इसी क्रम में शामिल हों मंच पर, नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं। जोरदार तालियां, आपकी ये तालियां इन्हें नए नए लक्ष्य स्थापित और प्राप्त करने में मदद करेंगी। माया देवी, हमारी अगली साथी माया देवी, जोरदार तालियों से आप इनका भी अभिनंदन और स्वागत करें। सभी से अनुरोध एक बार आप सब आ जाएं और एक बार हम समूह के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय की सोच, आने वाले समय में एक डिपो उन्होंने सोचा जहां सभी महिलाएं होंगी, चाहे सुरक्षा अधिकारी हो या उस डिपो के मैनेजर हो, उस डिपो में सभी काम करने वाले कर्मचारी महिलाएं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं अवसर होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिपल दिल्ली सरकार समर्पित और उस सोच के लिए, उस अनूठी सोच के साथ आगे बढ़ती रहे। और आप सब ड्राइवर्स जो पहले आ गए हैं और ये आए हैं, तो थक के ना बैठ, उड़ान अभी बाकी है, जमीन सही आसमान अभी बाकी है। तो आप सब नए नए लक्ष्यों के साथ नई तरक्की, नई उन्नति और नए सोपान लेकर आप आगे बढ़ें, पहुंचे। आप सब से मेरा अनुरोध, अपना स्थान आप ग्रहण करें।